अगर लेट नाइट स्नैकिंग आपकी भी एक प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, मैं हूँ स्मित और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ लेट नाइट स्नैकिंग के कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स शेयर करूँगा। लेट नाइट स्नैकिंग के लिए ऑप्शंस जो हम यूजुअली चूज़ करते हैं वो काफ़ी अनहेल्दी होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैलोरीज होती है और काफ़ी कम न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डीप फ्राइड फूड जैसे कि नमकीन और चिप्स, शुगरी फूड्स जैसे कि बिस्किट्स और स्वीट्स, मैदे से बनी हुई सारी चीज़ें, या फिर रात को हमें जो भी दिख जाए या इजीली अवेलेबल हो। देर रात को हमारी बॉडी ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं होती और इस वजह से हमारी बॉडी ऐसे फूड को ठीक से ब्रेक डाउन, डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और इस वजह से आपको गैस, ब्लोटिंग और दूसरी डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती है। और जो फूड्स हमारे बॉडी में अनयूटिलाइज रहते हैं उसे हमारी बॉडी एज फैट्स स्टोर करती है। सो आइडियली देर रात को हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए, पर अगर आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है जहाँ आप देर रात को जागते हो कोई भी रीज़न से, या तो मूवीज देखने के लिए, या तो फुटबॉल मैचेस देखने के लिए, या तो आप देर रात को काम करते हो आपकी नाइट शिफ्ट की वजह से, या कोई और भी रीज़न हो, तो आप इस वीडियो के जरिए अनहेल्दी ऑप्शंस के बदले कुछ हेल्दी ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो इस लिस्ट का सबसे पहला ऑप्शन है मखाना या फिर लोटस सीड। मखाना एक हेल्दी, फिलिंग और क्रंची स्नैक ऑप्शन है। मखाना आपको इजीली कहीं पे भी मिल जाएगा। मखाना में काफ़ी कम कैलोरीज होती है, तो आप इसकी ज़्यादा क्वांटिटी खाने के बाद भी अपने फिटनेस गोल या अपने डेली कैलोरी इंटेक को अफेक्ट नहीं करोगे। मखाना इज़ वेरी हाई इन प्रोटीन एंड फाइबर, तो ये आपके पेट को ज़्यादा देर तक फुल रखेगा और शायद आपको ये फैट लॉस के टाइम एक हेल्पफुल फैक्टर हो सकता है। मखाना में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, और कुछ अमीनो एसिड्स इसमें ऐसे भी है जो आपको एंटी एजिंग में हेल्प करेंगे। तो इस लिस्ट का अगला ऑप्शन है एक स्कूप वे प्रोटीन दूध के साथ। अगर आप वे प्रोटीन नहीं लेते तो आप इसके बदले जैगरी पाउडर या कोको पाउडर यूज़ कर सकते हैं। वे प्रोटीन से आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल होने में हेल्प होगी, और दूध एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन और फैट्स का। दूध में जो प्रोटीन होता है उसे कहते हैं कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन एक स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है जिसको डाइजेस्ट और ब्रेक डाउन होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो अगर आप रात को इसको कंज्यूम करते हैं तो ये आपका पेट काफ़ी देर तक फुल रखेगा, और रात को ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो इस लिस्ट का अगला ऑप्शन है चना। चना इस लिस्ट का सबसे टेस्टी और ईजिएस्ट स्नैक ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रिपरेशन नहीं है, आप इसे डायरेक्टली पैकेट से निकाल कर खा सकते हो। चना में ढेर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन और मिनरल्स हैं। चना आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, जो कि अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चना एक बहुत अच्छा सोर्स है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का और फाइबर का। चना आपकी मसल बिल्डिंग में भी हेल्प कर सकता है। इसकी एक अच्छी सर्विंग से आप अपने पेट को ज़्यादा देर तक फुल रख सकते हो। तो इस लिस्ट का अगला ऑप्शन है पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न इस लिस्ट का सबसे टेस्टीएस्ट और हेल्दीएस्ट स्नैक ऑप्शन है, और पॉपकॉर्न से मेरा मतलब है होममेड पॉपकॉर्न, ना कि रेडीमेड या फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न। ये सारे ऑप्शन को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलोरीज, एडेड प्रिजर्वेटिव्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रात को कंज्यूम करना एक बैड ऑप्शन होगा। तो होममेड पॉपकॉर्न आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। पॉपकॉर्न को बनाना सबसे आसान है और ये हेल्दी, टेस्टी, फिलिंग और लो कैलोरी स्नैक ऑप्शन है। पॉपकॉर्न एक होल ग्रेन है जिसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। इस लिस्ट का अगला ऑप्शन है पीनट बटर सैंडविच। ये एक काफ़ी हेवी स्नैक ऑप्शन है और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर आप इसे कंज्यूम करते हो तो आपको डेफिनेटली और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे ब्रेड की जगह पराठा या रोटी भी यूज़ कर सकते हो। ये सारे चॉइसेस एक अच्छा सोर्स है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का, और ये आपको ज़्यादा देर तक फुल रखेंगे। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव या यूज़फुल लगा हो तो डू लाइक दिस वीडियो। कमेंट करके मुझे बताना आपको इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा लगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो यू वोंट मिस एनी अदर फ्यूचर वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।